ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने चर्चा किए थे शिक्षाष्टकम का सातवां श्लोक या सातवां स्तर, जुगायितम निमिषेन चक्षुषा प्रवृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। हे गोविंद, आपके विरह में एक क्षण भी जो है कई युगों के बराबर लगता है, और ये विरह के कारण मेरे नेत्रों से मूसलाधार अश्रु बह रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेरे चक्षु मतलब मेरी आंखें वर्षा ऋतु के समय के बादल के जैसे ऐसा लगता है। ऐसा कल हमने चर्चा किया था। तो आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का ये जो भजन है, इस श्लोक पर आधारित इस भजन को पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले भी बताया है शिक्षाष्टकम के प्रत्येक श्लोक के ऊपर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने अनुभव के माध्यम से भजन को लिखे हैं, तो इसे पढ़ेंगे। गायते गायते नाम की दशा होइलो, कृष्ण नित्य दास मोई हृदय स्फुरिलो। भगवान के नाम के जप के कारण, भगवान के नाम का उच्च स्वर में उच्चारण के कारण आज मेरी सही दशा हो गई है कि भगवान का नित्य दास हूं मैं, आज ये मुझे समझ में आ रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं, भगवान का नाम का जप या भगवान के नाम का उच्च स्वर में गाना संकीर्तन करना नियमित रूप से करने से हमारी अपनी दशा जो है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं ये पता चलने लगता है। तो भगवान के नाम के उच्चारण के कारण ही हम भगवान के नित्य दास है ये साक्षात्कार होगा। इसका मतलब तब तक जब तक हम भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, संकीर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। हालांकि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हम सब भगवान के नित्य दास है, कृष्ण के नित्य दास है, ये तब तक हमें समझ में नहीं आएगा जब तक हम नियमित रूप से भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करते। संख्या पूर्वक कहो, नियमित भक्तों के संग में कहो, नियमित रूप से कहो, यहाँ कहा जा रहा है। जालीलाम माया पाशे ए जड़ जगते गोविंद विरहे दुख पाई नाना मते। इस जगत के, इस जड़ जगत के माया जाल में मैं फंस गया हूं और गोविंद से मैं बहुत दूर हूं। गोविंद से बहुत दूर का अर्थ है इस भौतिक जगत में फंसना, या गोविंद का, भगवान का नाम का स्मरण या उनका स्मरण नहीं होना। तो गोविंद से दूर है, गोविंद विरहे दुख पाई नाना मते। सो भगवान से मैं दूर होने के कारण, कृष्ण से मैं दूर होने के कारण,
श्याम से गोविंद से मैं दूर होने के कारण अनेक प्रकार का दुख मुझे झेलना पड़ रहा है इस भौतिक जगत में। सो जब हम भगवान से दूर होते हैं तो दुख हमारे आसपास मंडलाने लगते हैं। ये दुख आने का कारण ही है कि हम भगवान से दूर है, कृष्ण से दूर है। कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो माया के कारण दुख के मतलब यह कहा गया है माया पाशे यही जड़ जगते। तो कृष्ण से हम दूर होने के कारण माया के अंधकार में फंस गए हैं इस जड़ जगत में, जिसके कारण अनेक प्रकार के दुख हमें भोगना पड़ता है। तो हमें संकल्प करना चाहिए जितना हो सके उतना जल्दी हम भगवान के निकट पहुंचे, या हर हमेशा 24 आवर्स भगवान का स्मरण हमसे होता रहे। जब स्मरण होता है तो भगवान हमारे साथ रहते हैं। आर जे संसार मोर नाही लागे भालो, अब ये संसार ये दुख दुखमय संसार है ये मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए मुझे ये संसार ठीक नहीं लग रहा है। आप देखिए कर्मी लोग जो है इस संसार में आनंद का भोग करने का या सुख का भोग करने का प्रयास करते हैं, धन कमा कर कहो या किसी तरह से भी स्त्री का संग करके कहो या ऐश्वर्य की प्राप्ति करके कहो या वॉट एवर जो भी है, उनको लगता है कि यह सुख है और उन्हें यस भगवान के नाम मतलब भक्त न होने के कारण उन्हें यह संसार बहुत सुखदायक है ऐसा लगता है, सुख देता है ऐसा लगता है। बट जब दुख का अनुभव होने लगता है बार 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 बार, तभी समझ में आता है कि यह संसार में सुख नहीं है। कहां जाए कृष्ण हरि ये चिंता विषय लो, कहां जाकर मैं कृष्ण को ढूंढूं जिसके कारण मैं उनके साथ रह सकूं और ये दुखों से मुक्त हो जाऊं। कांडिते कांडिते मोरा आखी वरी वरिशोय, वर्षाधार हेनो चक्षे होइल उदय। कांडिते कांडिते मतलब रो रो कर क्या हो गया है, मोर आंखी वरिश होए, मेरे आंखें बादल के जैसे हो गए हैं, जैसे बादल निरंतर काले घने बादल निरंतर वर्षा करते हैं, वैसे मेरे आंखें काले बादल के जैसे हो गए जिसके कारण वर्षाधारा है ना चक्ष मतलब आंखें, होइल उदय आंखों में से उदय हो रहा है, वर्षा आ रही है। वर्षा कैसे, वर्षा धारा, धारा मतलब निरंतर आंखों में से अश्रु पानी आ रहा है। इस तरह से प्रार्थना है। निमेश होइल मोर शत युग सम, गोविंद विरह आर साहित्य अक्षम। गोविंद के विरह में मैं असहनीय मतलब मैं सह नहीं पा रहा हूं, इस विरह को मैं सह नहीं पा रहा हूं। कैसे जब अकेले रहने से कितना दुख होता है, isn't it? एक सात दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए भी कोई मेहमान आकर हमारे घर पे रहता है और वो जाता है तो हमें दुख होने लगता है। समझो आप अकेले हो, कई साल से अकेले रह रहे हो, तो घर के परिवार के लोग आपके पास आते हैं, कुछ दिन के लिए रहते हैं और फिर बाद में चले जाते हैं, तो आपको अकेलापन खाने लगता है। तो उसी तरह से यहाँ कहा जा रहा है निमेश होलोल मोतशत युग समान, अब मैं अकेला पड़ गया हूं, सारा संसार जो है ये कैसे लगने लगा है, गेस्ट के जैसे लगने लगा है, आ रहे और जा रहे, आ रहे और जा रहे लोग।
मेरे जीवन में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये गेस्ट के जैसा है और मैं अकेला पड़ गया हूं। गोविंद विरह आर सहिते अक्षमा, एक क्षण के लिए भी जो है अब मुझे सहा नहीं जा रहा है गोविंद के विरह में। तो यह आत्मा अनुभव कर रहा है, ये ध्यान में रखिए, यह आत्मा अनुभव कर रहा है कि हर हमेशा भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ है, हमारे साथ है और हमें गाइड करना चाहते हैं, लेकिन हम उनका गाइडेंस लेना नहीं चाहते, जिसके कारण हम परमात्मा से विमुख हो गए, परमात्मा की तरफ हम देख नहीं रहे, परमात्मा से विमुख हो गए, दूसरी दिशा परमात्मा के उल्टी दिशा में हम देख रहे हैं। हम खुद ही गोविंद को विरह, मतलब हम खुद ही गोविंद से या भगवान से दूर हो गए हैं। अब आत्मा को साक्षात्कार होने लगा है, मतलब समझने लगा है, इसीलिए एक क्षण भी जो है युग के समान हो रहा है। क्या मुझे अब गोविंद स्वीकारेंगे? बड़े लंबे समय से मैं उनसे दूर हुआ हूं, कुछ अपराध कर कर, ये सोचने लगता है कि क्या मुझे स्वीकारेंगे, मेरी गलती है ये। ऑफ कोर्स भगवान तो स्वीकारते हैं और नाना प्रकार की सुविधा कर देते हैं ताकि मेरा खोया हुआ जो जीव है वो वापस मेरे पास आए। शून्य धरातल चौदी के देखिए, प्राण उदास होए, की कोरी स्थिर नाही होए, जीवन नाही करोए। पूरा जगत धरातल मतलब वसुंधरा, पूरा जगत जो है क्या लग रहा है, शून्य लग रहा है। कितना सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन को रचाया है। प्राण उदास होए मतलब मैं आत्मा उदास हो गया हूं, अकेलापन कितने लंबे समय तक हम सह लेंगे। कितने लंबे सह लेंगे, क्या करूं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। की कोरी स्थिर नहीं हो, मन स्थिर नहीं हो रहा है, चंचल होते जा रहा है। कृष्ण को ढूंढने के लिए मन चंचल होना अच्छी बात है, भौतिक चीजों को पाने के लिए मन चंचल होना एकदम बुरी बात है, समझ गया। और मन का स्वभाव चंचल ही है, वो अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता। स्थिर होने का अर्थ है, मन को स्थिर करने का अर्थ है कि भगवान के लिए चंचल हो जाए। तो भगवान के लिए ढूंढने के लिए यहां वहां भटकते रहे, क्योंकि मन का स्वभाव चंचल है, ये बहुत अच्छा है। वैसा रघुनाथ दास गोस्वामी भी कहते हैं कि मन को जो है, मन जो यहां वहां भागता है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन भौतिक जगत भौतिक चीजों के लिए भागता है ये बुरी है, लेकिन भगवान के लिए वो, अब मैं ये सेवा करूंगा, अब वो करूंगा, अब वो करूंगा, अभी सेवा नहीं तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मन चंचल होना बहुत अच्छी बात है। तो भगवान के विरह में मन यहां वहां दौड़ने लगता है, दौड़ने लग रहा है, और जीवन नाही को होए, अब जीवन को त्यागने की इच्छा हो रही है, नहीं चाहिए ये जीवन कृष्ण के बिना, कब प्राण चले जाए ऐसा लग रहा है, या तो भगवान मेरे पास आ जाए या तो मेरे प्राण चले जाए। तो आगे का श्लोक इसी पर आधारित है, समझ लेना। आश्लिष्य वा पादरताम पिनस्तु माम आदर्शनम मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण, समझ गया ना, मत प्राण। मेरे प्राण तो एक्चुअली कृष्ण है, एनी हो इसकी चर्चा हम कल करते हैं। ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो,
देखाओ श्री राधा नाथे, भक्ति विनोद मिनती मानिया, लाओ हे तोहारे साथ साथे। हे ब्रिजवासी गण, अभी अपने अपने भाव के अनुसार ब्रिजवासी गण किसी को भगवान के सखा दिखने लगते हैं, किसी को गोपियां दिखने लगती है, किसी किसी को माता पिता यशोदा माई और नंद बाबा दिखने लगते हैं। ये अपने अपने भाव के अनुसार है, इसीलिए यहाँ पे ब्रजवासी गण कहा गया। ब्रजवासी यशोदा माई नंद बाबा ब्रजवासी है, गोप सखाएं ब्रजवासी है, गोपियां ब्रजवासी है। तो गो ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो, देखाओ श्री राधा नाथे। राधानाथ जो है, राधा के नाथ है, उनके दर्शन कराओ मुझे, वो मेरे प्राण नाथ है, मेरे प्राण है वो, मोर प्राण राखो। उनके दिख उनके दर्शन के बिना मेरा प्राण क्या है, मेरे प्राण प्राण है ही नहीं है, वही तो प्राण है। ये श्लोक को समझना थोड़ा जटिल है ना, भगवान प्राण है क्या, हमारे हमारे प्राण, भगवान प्राण है इसीलिए हमारे प्राण, प्राणनाथ। तो देखाओ श्री राधा नाथ, दर्शन कराओ मुझे, हे गोपीगण, हे सखागण, हे मैया, कृष्ण के दर्शन कराओ। जैसे शिवजी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए नंद गांव गए थे, मैया ने दर्शन नहीं कराया, इसलिए आशेश्वर के नाम से वहां पे स्थित रहे, ये आशा लेकर कि एक ना एक दिन मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे। तो इस तरह से यहाँ कहा जा रहा है, देखाओ श्री राधानाथे। अभी श्री राधानाथे का अर्थ है यहाँ पे ब्रजवासी गण, जब श्री राधानाथे कहा जा रहा है तो यहाँ ब्रजवासी गण कौन है, गोपियां है। अब समझ रहे, गोपियां है। सपोज गिरिधारी होते या गोपाल होते, हाँ जैसे देखाओ श्री गोपाल ऐसा कहा होता तो फिर यहाँ ब्रजवासी गण कौन होते, सखाजन होते। समझे, तो इस तरह से हमें इसका अर्थ लेना चाहिए, इन भजनों को हमें इस तरह से पढ़ना चाहिए। श्री राधा नाते का अर्थ है यहाँ चैतन्य महाप्रभु या सॉरी भक्ति विनोद ठाकुर भी गोपियों को कह रहे हैं, ब्रजवासी गण मोर प्राण राखे राखो, देखाओ श्री राधानाथ। भक्ति विनोद मिनती मतलब विनंती कर रहे हैं, विनंती मान लो, मिनती मानिया, भक्ति विनोद मिनती मानिया, लाओ ये तुम्हारे साथ है। भक्ति विनोद मेरा विनंती मान लो थोड़ा, हाँ, और जब आप आओगे तो भगवान को लेके आना, कृष्ण को लेके आना, राधा नाथ को लेके आना, मतलब जब प्राण जाएगा तब आप इन्हें लेके आना। आप समझ रहे, आप अकेले मत आना, इन्हें लेके आना। श्री कृष्ण विरह आर सहिते ना पारी, प्राण छाड़ी छाड़ी ते आर दिन दुई चारी। अभी कृष्ण के विरह में अभी मैं ज्यादा लंबा समय तक नहीं रुक पाऊंगा, दो तीन चार दिन में मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा, तो कृपा कर ऐसी व्यवस्था कीजिए हे ब्रजवासी गण, आप कृष्ण को लेकर आइए जब मैं प्राण त्यागूंगा। तो इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन को गा रहे हैं। तो प्राण त्यागते समय भगवान हमारे सामने रहे, ब्रजवासी गण हमारे सामने रहे,
अभी भगवान हमारे प्राण त्यागते समय हमारे भाव के अनुसार दर्शन देते हैं। अगर हमारा भाव माधुर्य का है तो भगवान श्रीमती राधा रानी अन्य गोपियों के साथ दर्शन देंगे। अगर हमारा भाव साक्य है तो भगवान उनके सखाओं के साथ हमें दर्शन देंगे। अगर हमारा भाव वात्सल्य का है तो हम दामोदर के दर्शन करेंगे, जैसे यशोदा माई दाम लगाती थी, दो रस्सी से बांध रही है या डांट रही है या उन्हें नहला रही है, उनका श्रृंगार कर रही है, व्हाटएवर, अपने भाव के अनुसार भगवान हमारे अंतिम समय दर्शन देंगे। उनके सखाओं के साथ कहो, गोपियों के साथ कहो या माता पिता के साथ कहो, व्हाटएवर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अकेले कृष्ण जो है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारे प्राण चले जा रहे उस समय अगर कृष्ण के सिर्फ दर्शन हो तो ये ठीक नहीं है। अकेले कृष्ण का दर्शन ठीक नहीं है। कृष्ण का दर्शन अपने सखाओं के साथ, अपने गोपियों के साथ या अपने माता पिता के साथ हो, ये सबसे बड़ी ध्यान है या समाधि है। तो हमारे भाव को जब हम व्यक्त करते हैं उस समय, तो उसी तरह से भगवान दर्शन देते हैं। भीष्म पितामह के सामने भी थे भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के ऊपर, लेकिन वहां भीष्म पितामह का जो है रस जो है वो शांत और दास्य का मिश्रण था, इसलिए वहां पे चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन दिए। ज्ञानी है ना भीष्म पितामह, ज्ञानी है, इसलिए वहां पे नारायण परमात्मा के रूप में दर्शन दिए। वहां पे वो जानते थे कि कृष्ण सर्वोपरि है, इवन नारायण भी जो है उनके अंश के अंश के अंश के रूप है या अवतार है या विस्तार है, फिर भी अपने भाव के अनुसार उन्हें भगवान दर्शन दिए। इस तरह से अपने भाव के अनुसार कृष्ण दर्शन देते हैं। तो हम गौड़ियों वैष्णवों के लिए, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के लिए, हम जो अनुयायी हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रभुपाद के, तो हमारे लिए अकेले कृष्ण का दर्शन ठीक नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मूड्स ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर। हम खुश हो जाते हैं कभी कभी अकेले कृष्ण दर्शन देते हैं, ओ भगवान ने मुझे दर्शन दिया। प्रॉपर मूड जो है वो रस युक्त होना चाहिए, दास्य रस कहो, साख्य रस कहो, वात्सल्य कहो या माधुर्य कहो, रस युक्त होना चाहिए मूड्स। अगर उसमें रस नहीं है so then it is not proper mood, okay? तो हमारे आचार्य के भजन जो है बहुत सुंदर, बहुत साइंटिफिक है, हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो हमें रेगुलर इस भजनों को पढ़ते रहेंगे तो हम भाव को समझने का प्रयास करेंगे, okay? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।